हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने पल्सर 150 यूजी 4 BS3 के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं इसमें HJG मिनी ड्राइव इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये क्लैंप है, इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ। एक मैंने इंस्टॉल कर दिया है, मैं आपको बताने वाला हूँ। फुल डिटेल वीडियो होने वाला है, कैसा इंस्टॉल करना है, कनेक्शन कैसे करना है, सब पे पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको HJG मिनी ड्राइव दिखा देता हूँ, लाइट दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस, ये है HJG मिनी ड्राइव, फॉग लाइट है ये, और आपको इसका इंस्ट्रक्शन भी दिखा देता हूँ। AC टू DC लिखा है, पर ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि DC कनेक्शन भी चला, नहीं तो आपका लाइट भी ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे सब दिया हुआ है, लाइफ स्पैन दिया हुआ है इसमें 30,000 आवर, लुमिनेंस 3,000 लुमिनेंस का एक लाइट है, मतलब एक बल्ब है 3,000 लुमिनेंस का, और 20 वाट का एक बल्ब है, दो मिला के 40 वाट हो जाता है। और LED कोरियन चिप्स है इसमें, और ये ओरिजिनल है, कॉपी वाला नहीं है। फिर से आपको दिखा देता हूँ, इसका ओरिजिनल की पहचान भी दिखाऊंगा मैं कैसी है। इसके अंदर आपको बॉक्स में ये दो लाइट मिलेगी, ये दो लाइट है इसके अंदर, आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं ये क्लैंप वैम्प सब आते हैं इसके साथ, आपको कुछ एक्स्ट्रा परचेस करने का ज़रूरत नहीं, बस आपको आई क्लैंप परचेस करना पड़ेगा अगर आपको इंस्टॉल करना है तो। ये इसके क्लैंप वैम्प सब, स्क्रू वगैरह सब दिया हुआ है, और इसका ये LED दिखा देता हुआ आपको। ये इसका मिनी ड्राइव, और ये आप कार में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये कार के बम्पर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। इसका लाइट बहुत ज़बरदस्त है, इसमें दो लाइट होता है, येलो और वाइट, दोनों लाइट है इसमें। लो बीम पे येलो जलेगा और हाई बीम पे वाइट जलेगा। अगर आपको ये ऐसा उल्टा फिक्स करोगे तो लो बीम पे वाइट हो जाएगा और हाई बीम पे येलो हो जाएगा। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये है ओरिजिनल HJG ओरिजिनल है ये, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HJG। और इसका आपको क्वालिटी हाथ में पकड़ने से आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है। ये इसका ओरिजिनल, और ये इसकी पहचान है HJG की ओरिजिनल, और ये बॉक्स भी इसकी पहचान है, ऐसा बॉक्स में नहीं आता है, कॉपी वाला ऐसा बॉक्स में नहीं मिलेगा आपको, ये ओरिजिनल है। और अलग से भी आता है HJG मिनी ड्राइव, वो प्लास्ट ऐसे बॉक्स में भी आता है, और वो भी ओरिजिनल होता है, आपको दिखा देता हूँ। पहले ये देख लीजिए आप, ऐसा कुछ लाइट है इसमें। और आपको कभी भी ऐसा स्ट्रेट में ही फिक्स करना है, मतलब वायरिंग नीचे रहना चाहिए, आप अगर ऐसा फिट करोगे तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। पहले मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ। इसके पीछे फ़ैन भी दिया हुआ है, और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, और ये फ़ैन दिया हुआ है इसके पीछे, और इसमें तीन वायर होते हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा कनेक्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा करना है। और इसके साथ अगर स्विच भी लगाना पड़ता है इसमें, अगर आपको लो बीम हाई बीम दोनों चाहिए तो स्विच लगाना पड़ेगा। और ये दूसरा लाइट भी दिखा देता हूँ वो आपको, ये भी ओरिजिनल है, और इसका क्लैंप भी दिखा देता हूँ आपको। ये इसका क्लैंप, बस आपको एक आई क्लैंप परचेस करना पड़ेगा, उसमें डायरेक्ट फिट हो जाएगा ये। मैं पहले दिखा देता हूँ आपको आई क्लैंप, ये आई क्लैंप, ये आपको किसी भी गैरेज शॉप में मिल जाएगा। ये जो साइड में डिक्की फिक्स करते हैं ना, वो वाला क्लैंप है ये। ये वाला पार्ट आपका मिरर पे लग जाएगा, और इधर फॉग लाइट लगेगा, मैं आपको दिखा दूंगा कैसा लगाना है। पहले मैं आपको क्लैंप भी दिखाने वाला हूँ, एक पे ने फिट कर दिया है, तो आपको अभी स्विच भी दिखा देता हूँ। ये है स्विच, ये फुल्ली वाटरप्रूफ स्विच है, और एल्यूमिनियम बेस है, ये पूरा फुल्ली एल्यूमिनियम का बना हुआ है। और ये देखिए अपर, मतलब लो बीम हाई बीम, अगर आपको लो बीम इधर रखना है और हाई बीम ऊपर रखना है तो वो भी रख सकते हैं, बस वायरिंग का ही खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। और ये इसमें ब्लैक वायर इसका पॉजिटिव पे जाएगा इग्निशन पे, और इसमें दोनों फॉग लाइट के वायर आएंगे। मैं आपको पूरा फुल कनेक्शन दिखाने वाला, और एक पेपर डायग्राम भी आपको बना के दिखा दूंगा। ये देखिए ऐसा कुछ है, और आपको दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं अभी कैसा फिट करना है, क्या फिट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कैसा मैंने ये आई क्लैंप लगा दिया है यहाँ पे, जो इसमें होल होता है वो मैंने डायरेक्ट इसमें फिट कर दिया, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने KTM का मिरर लगाया हुआ है, अगर आपने पल्सर का मिरर लगाया तो इसमें 70 नंबर का नट मिलेगा आपको, ये मैंने लगा दिया इसमें। और ये मिडल में थोड़ा सा क्लच मैंने लेफ्ट हैंड साइड को किया हुआ है, ताकि इधर स्विच बैठ जाए आराम से। अगर स्विच आपके इसमें अगर ये हैंडल नहीं होगा, आपको कोई भी बाइक में लगाना है तो उसमें ऐसा वन पीस हैंडल होगा तो उसमें भी आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। पहले आपको लुक दिखा देता हूं, मैंने हल्का सा राइट को टिल्ट किया हुआ है, ताकि इस पर ये ना पड़े, रोशनी ना पड़े उसकी, और मैं फिट कर दिया। और आपको लाइट दिखा देता हूँ कैसा फिक्स होने वाला है, ये क्लैंप के ऊपर ही ऐसा लाइट आ जाएगा, और आपको जहाँ मन चाहे वहाँ फिक्स कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको बस ऐसे ही स्ट्रेट में फिक्स करना है,
अगर आपको ये लेग गार्ड में यहाँ पे इंस्टॉल करना है उसको ऐसा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको फोकस वो स्ट्रेट चला जाएगा, फोकस नहीं आएगा आपको बराबर, प्रॉपर फोकस नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे ही इंस्टॉल करना है, या फिर आप यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ये इधर एक क्लैंप बनता है, वो कस्टम क्लैंप बना के भी आप फिट कर सकते हैं, ऐसा ये ऐसा आ जाएगा इस पर। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा फिक्स नहीं करना है इसमें, जैसे चार स्क्रू दिए हुए रहते हैं थ्रेडिंग वाला, 1 2 3 4, आपको या तो ऐसा फिक्स करना है। आपको लो बीम अगर येल्लो चाहिए तो ऐसा फिक्स कीजिए, वायरिंग नीचे आना चाहिए। और हाई बीम अगर चाहिए, हाई बीम में अगर येल्लो चाहिए तो आपको ऐसा उल्टा फिक्स करना पड़ेगा। बस ऐसा मत फिक्स कीजिएगा, ना ही ऐसा फिक्स कीजिएगा, नहीं तो आपको फोकस बराबर नहीं आएगा। वो स्ट्रेट जो फोकस प्रोजेक्टर से पड़ता है वो ऐसा फोकस नहीं मिलेगा आपको, बस ऐसे स्ट्रेट ही फिक्स करना है इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, एक यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं और एक आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, लेग गार्ड पे फिक्स कर सकते हैं। ये रोड का काम चालू है इसलिए थोड़ा आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर मैं क्लैंप लगा देता हूँ, उसके लिए आपको हेड खोलना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको ये चार स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 स्क्रू के बाद आपको इंडिकेटर के नीचे एक स्क्रू दिया हुआ है, एक उस साइड में एक मिलेगा, और इसे 10 नंबर के 2 बोल्ट ओपन करना पड़ेगा, फर्स्ट और इधर दिया सेकंड। उसके पहले आपको नंबर प्लेट होल्डर निकालना पड़ेगा, 1 2, और उसके अंदर आपको हेडलाइट का ब्रैकेट भी निकालना पड़ेगा, 1 2, उसके दोनों बोल्ट। मैं सारा ओपन कर लेता हूँ और ये मैं ये क्लैंप भी लगा लेता हूँ राइट साइड में और फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज वायरिंग दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए फॉग लाइट का 2 वायर आया हुआ है, एक वायर लेफ्ट हैंड फॉग लाइट से आया हुआ, एक राइट से, और ये रेड वाला भी वही है, लेफ्ट हैंड राइट और राइट, और इसका एक ब्लैक वायर होगा, देन दोनों को कॉमन करके मैंने ये रेड वाले वायर में शिफ्ट कर दिया उसको। एक मिनट दिखा देता हूँ, ये वाला वायर है, ये है टोटल ब्लैक था, दोनों फॉग लाइट का टोटल ब्लैक था, उसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है वायर, दोनों को कॉमन करके एक वायर निकाला हुआ, उसमें लास्ट इसमें एक थिम्बल दे दिया है ऐसा वाला, जो किसी भी 10 नंबर के बोल्ट पे आप ग्राउंड कर सकते हैं, शॉकर के बोल्ट पे या किसी भी बोल्ट पे। मैं लेग गार्ड के ये बोल्ट पर ग्राउंड करने वाला हूँ, नहीं तो आप नंबर प्लेट के होल्डर में भी ग्राउंड कर सकते हैं, हल्का सा आपको पेंट रिमूव करना पड़ेगा फिर वो प्रॉपर वर्क करेगा। और स्विच का ये स्विच वाला वायर है, ये एक ब्लैक है इसमें, एक ब्राउन और एक ब्लू। ब्लैक वाला मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव में डाल दिया है इग्निशन के, और पॉजिटिव में बता देता हूँ इसमें 24 आवर करंट आता है। ये वाइट वाले वायर में तो उसमें ना लगाती हूँ आपको, ये ब्राउन वाले में लगाना है, ब्राउन वाले में मैंने लगा दिया ब्लैक वाला वायर, जो स्विच का ये स्विच मैंने यहाँ प्लेस किया हुआ है। इसका एक वायर ब्लैक वाला पॉजिटिव है, मैंने वो सॉकेट में डाल दिया, और ये दोनों के कॉमन करके, रेड वाला लेफ्ट हैंड साइड से आया हुआ है और एक राइट हैंड साइड से फॉग लाइट से, दोनों को कॉमन करके इसमें लगा दिया है। और ब्लू और येलो वाला एक लेफ्ट और एक राइट से आया हुआ, दोनों को कॉमन करके ये स्विच वाला इसमें लगा दिया है। और जो फॉग लाइट का जो निगेटिव वायर है ब्लैक वाला, उसको मैंने अर्थिंग कर दिया, मतलब किसी मेटल पार्ट पर आप ग्राउंड कर सकते हैं। मैं वो सब फिटिंग कर लेता हूँ और आपको पेपर पे भी मैं समझा देता हूँ कैसा है डायग्राम कैसा। और मैंने फॉग लाइट यहाँ प्लेस किया हुआ है, मैं एक मिनट इसमें पूरा पैक कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। गाइस वायरिंग कैसा करना है बता देता हूँ आपको, ये फॉग लाइट का ब्लैक वायर है, मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये इग्निशन स्विच, ये एक्स्ट्रा का स्विच, अरे दो फॉग लाइट में 3 वायर है, ब्लैक येलो रेड, सबको कॉमन करना है आपको, 2 लगाना पड़ेगा तो आपको कॉमन ही करना पड़ेगा। ये हो गया ब्लैक, ये हो गया येलो,
और ये हो गया रेड, ब्लैक ग्राउंड हो जाएगा। किसी भी मेटल पार्ट पे आप ग्राउंड कर सकते हैं। ये एक येलो वायर हो गया और एक रेड वायर, दो वायर बचे अपने और एक मैंने ब्लैक ग्राउंड कर दिया। स्विच में एक जो ब्लैक वायर है ये डायरेक्ट आपके इग्निशन पे चला जाएगा। ये पल्सर 150 का बता रहा हूँ, पल्सर 150, 220, पल्सर 150 BS6, ये सभी बाइक के लिए सेम ही होता है, पर इग्निशन का आप कलर कोड थोड़ा अलग हो सकता है अलग अलग बाइक के हिसाब से। और इसमें जो ब्राउन वायर है वो आपको डायरेक्ट येलो वायर में लगा देना है, या तो एक तो या ब्राउन लगा सकते हैं आप, नहीं तो ब्लू लगा सकते हैं, वो आपको स्विच में देखना पड़ेगा। आपको अगर में अगर आपको नीचे चाहिए स्विच के इधर नीचे बटन चाहिए तो आप ब्लू वायर लगा सकते हैं, नहीं तो फिर ब्राउन भी लगा सकते हैं। ब्लू वाला वायर चला जाएगा रेड में। बहुत सिंपल वायरिंग है, ये ग्राउंड हो गया और जो येलो वायर है जो ब्राउन से अटैच कर देना उसे, और ब्लू वायर को ये रेड वाले वायर से अटैच कर देना, और ब्लैक आपका पॉजिटिव है, स्विच का ब्लैक पॉजिटिव वायर है वो ब्राउन में जाएगा। वाइट में मत डाल दीजिए कि इसमें 24 आवर का करंट आते रहता है, तो आप इसमें लगा सकते हैं, इसमें जब की ऑन करते हैं तभी इसमें करंट आता है। तो ऐसा कुछ ये वायरिंग डायग्राम है, आप देख लीजिए, आप फोटो खींच के भी कर सकते हैं इसका काम। और ये आपको अगर इंस्टॉल करना नहीं हो रहा होगा तो आप मैकेनिक को भी दिखा सकते हैं ये फ़ोटो, तो आपका वायरिंग हो जाएगा परफेक्ट। तो चलिए मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज मैंने प्रॉपर फिक्स कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। स्विच मैं दिखा देता हूँ आपको, स्विच मैंने ऐसा नीचे फिक्स किया हुआ है ताकि ऊपर में स्पेस नहीं था थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप हैंडल, अगर आपका वन पीस हैंडल होगा तो उसमें फिट हो जाएगा। इसमें वन पीस हैंडल नहीं, टू क्लिप ऑन हैंडल आते हैं, इसलिए मैंने नीचे फिक्स किया हुआ है। और आपको ये स्विच परचेस करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और आपको लाइट भी परचेस करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और इसका प्राइस भी दिया हुआ है और स्विच का भी प्राइस दिया हुआ है। और मैंने इसके पहले जो फॉग लाइट इंस्टॉल किया था, HJG का प्रोजेक्टर फॉग लाइट मैंने इंस्टॉल किया था, वो भी मैंने सेम आई क्लैंप पे ही फिट किया हुआ था। ये डिक्की पट्टी है, ये जो डिक्की में यूज़ होती है, साइड डिक्की जो लगाते हैं ना उसमें यूज़ होती है पट्टी, इसे क्लैंप आई क्लैंप बोला जाता है इसे। तो मैंने एक क्लैंप इसमें, एक मिनट दिखा देता हूँ, यहाँ पर फिक्स किया है, आपको दिखाई दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने ये फुल सेटअप इसमें लगाया हुआ है। ये क्लैंप और ये नट बोल्ट इसके साथ ही मिलता है, और ये एडजस्ट करने के लिए एलन की भी मिलती है इसमें। और ये मैंने प्रॉपर फिक्स कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और राइट में थोड़ा सा राइट में टिल्ट किया हुआ है, ये भी स्ट्रेट भी रख सकते हैं आप, मैंने टिल्ट इसलिए किया हुआ है दोनों सेम दिखना चाहिए, नहीं तो फिर ये मास्टर सिलेंडर कैप ओपन नहीं होगा। मैंने प्रॉपर फिक्स कर दिया, डे व्यू लुक दे देता हुआ आपको। वाइट येलो दोनों फंक्शन है, आप कार में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसका डे व्यू देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसका नाइट व्यू भी देने वाला हुआ आपको, और ये इसका वाइट फंक्शन, ये ऊपर करेंगे तो वाइट, नीचे करेंगे तो येलो। आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, ये नीचे वाइट और नीचे येलो ऊपर वाइट। फ्रंट लुक भी दे देता हुआ आपको, ये ऐसा कुछ दिखेगा ये। तो इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, अभी मैंने जस्ट चेक किया हुआ है, दूर से भी दिखा देता हुआ आपको, देखिए दूर से। और वाइट वाला भी दिखा देता हूँ, ये ऐसा है वाइट वाला फंक्शन। और इसमें फ़ैन भी दिया हुआ है ताकि LED हीट ना हो। एक मिनट इसका साउंड भी दिखा देता हुआ आपको, ये देखिए इसका फ़ैन ऑन हो जाएगा, इसका साउंड भी दिखा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला साउंड दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ साउंड है फैन का। बढ़िया लाइट है और फुल्ली वाटरप्रूफ लाइट है, ये टोटल वाटरप्रूफ लाइट है ये HJG ओरिजिनल। तो चलिए देखते हैं इसका नाइट का व्यू। तो गाइस HJG मिनी ड्राइव का नाइट व्यू दे देता हूँ आपको, पहले आपको फ्रंट लुक दे देता हूँ। ये इसका फ्रंट लुक, ये येलो बीम है, येलो मैंने लो बीम पे रखा हुआ है, और ये इसका हाई बीम दिखा देता हूँ आपको फिर से एक बार। ये लो बीम बहुत ज़्यादा ब्राइट है, अभी मैं थोड़ा सा चालू किया था टेस्टिंग के लिए। और ये देखिए इसका वाइट बीम, अगर आपको परचेस करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपको आपके कुरियर के थ्रू आपको मिल जाएगा। और मैंने लो बीम सेट किया हुआ, आप और अलग जगह लगा सकते हैं, लेग गार्ड पे भी लगा सकते हैं, और ये फ्रंट वाले नंबर प्लेट के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको अभी फ्रंट लुक दिखा देता हूँ, या अभी मैंने मेन स्टैंड पर रखा हुआ है बाइक, आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी ये मैंने मेन स्टैंड पर रखा हुआ है, इसका येलो बीम आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इतना ब्राइट है, और इसका वाइड बीम देखिए। और आप ऊपर सेट कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से सही सेट हुआ है, लो बीम हाई बीम मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। आपको एक मिनट बाइक पीछे भी आके दिखा देता हूँ। ये इसका लो बीम, ये देखिए ऐसा कुछ व्यू है। ये मैंने येलो सेट किया हुआ है, और हाई बीम दिखाता हूँ। ये देखिए इसका हाई बीम। आपको अगर परचेस करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये एचजेजी ओरिजिनल है, आपको तो दिखाई दिया मैंने ओरिजिनल की कैसी पहचान होती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।